CSCS CMA विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देत असलेले अग्रगण्य प्रबोधन 2001 पासून कार्यरत आहे. या वर्षी ऑल इंडिया रँकर्स मध्ये अग्रवाल कासेटच्या 8 विद्यार्थ्यांनी रँकर्सच्या यादीत आले आहेत, याचा आम्हाला अभिमान आहे. CS फाउंडेशन डिसेंबर 2017 रँकर्स उत्कर्ष शिळिमकर रँकर्स 4, पायल मोटवानी रँकर्स 13, दर्शना सुरती रँकर्स 14, आर्यन रेड्डी रँकर्स 16, युविका तानक रँकर्स 19, आकांक्षा प्रसाद रँकर्स 21, तान्या खंडेलवाल रँकर्स 21, मिनल सोनार रँकर्स 24. दरवर्षी आम्ही महाराष्ट्र स्तरावर जास्तीत जास्त ऑल इंडिया रँकर्स निर्माण करण्याचा दावा करतो. आपल्या अभ्यासासाठी अनुकूल असलेल्या आमच्या विद्यार्थ्यांना घरगुती वातावरण प्रदान करणे हे आमचे लक्ष आहे. देशाच्या विविध भागातून येत असलेल्या विद्यार्थी आणि आर्थिक पार्श्वभूमीमुळे त्यांना भविष्यातील आव्हानांसाठी त्यांची तयारी करण्यास मदत करणारे सांस्कृतिक विविधतेचे अनुभव त्यांना मिळते. आम्हाला असे म्हणण्यास अभिमान वाटतो की आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करतोच नाही, तर त्यांना जबाबदार नागरिक आणि भविष्यातील पुढारी बनण्यासाठी पुरेपूर ज्ञान एकत्रित केले आहे, असे रितेश अग्रवाल यांनी यावेळी सांगितले. अग्रवाल क्लासेस में हर साल तकरीबन 15 से 20 रैंक आते हैं. अब हर साल 15 से 20 रैंक आते किस तरह से हैं कि हर 6 महीने में इसका एग्ज़ाम होता है. एक एग्ज़ाम जो होता है दिसंबर में होता है, दूसरा एग्ज़ाम जून में होता है. तो तकरीबन दिसंबर और जून दोनों में एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो 15 से 20 लोग जो है 15 से 20 जो स्टूडेंट है वो रैंक में आते हैं. जहाँ तक तैयारी का सवाल है, हम लोगों के जो है हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग फैकल्टी है. हर सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला टीचर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है. वो जो टीचर है वो अपना डेडिकेटेड टाइम, मतलब जिसको बोल सकते हैं उसका 100% जो टाइम मनी एनर्जी जो कुछ भी है वो अपने पढ़ाने के लिए लगाता है. यही रीज़न है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है. और इन सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि मेन जो फैक्टर होता है वो मोटिवेशन होता है. हमारे यहाँ से बच्चों को बहुत बड़ा मोटिवेशन ये दिया जाता है कि लास्ट टाइम में भी बहुत बच्चे रैंक ला चुके हैं. रैंक लाना बहुत ईजी है और आप अगर मेहनत करोगे तो आप बहुत ईजीली रैंक लेके आ सकते हो. तो हमारा जो फोकस होता है कि पास तो हर बच्चा होता है, लेकिन अगर आप रैंक लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए जॉब में भी अच्छा रहेगा, जॉब में आपको सैलरी भी अच्छा मिलेगा. तो हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा बच्चों को मोटिवेशन जो मिलता है वो रैंक के लिए मोटिवेशन मिलता है, जिसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा बच्चों को भी मिलता है, क्लासेस को भी मिलता है. हर साल 15 से 20 बच्चे रैंक में आते हैं. 95% बच्चे पास हो चुके हैं, 95% बच्चे पास हो चुके हैं और 8 बच्चे जो है ऑल ओवर इंडिया रैंक में आए. अब ये भी आपको थोड़ा सा एक चीज़ देखना होगा कि टोटल रैंक जो होते हैं वो सिर्फ 25 ही होते हैं. इंडिया में जो रैंक होती है वो फर्स्ट से लेकर 25 तक रैंक होती है. तो 25 रैंक में ऑल ओवर इंडिया के अंदर, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, 8 बच्चे जो है वो अपने अग्रवाल क्लासेस के. 25 रैंक होती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं. कैसे ज़्यादा होते हैं कि जैसे 23 रैंक है तो वो भी एक दो लोगों को हो सकता है. और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है कि गुजरात से नहीं, ये जो रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो जितना अच्छा रिज़ल्ट अपना पुणे का होता है उतना रिजल्ट पूरे इंडिया में कहीं और किसी दूसरी जगह का नहीं होता है. उत्कर्ष शिळिमकर या विद्यार्थिनीने आपले अनुभव मांडताना अग्रवाल कासेटचे विशेष आभार मानले व येथील अभ्यासक्रम तसेच शिक्षकांचे मार्गदर्शन मोलाचे ठरल्याचे सांगितले. या पत्रकार परिषदेच्या संकल्पनेमुळे आपल्याला विद्यार्थ्यांच्या यशाबद्दल सांगण्यात आले आहे, जेणेकरून अधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा सकारात्मक फायदा होईल. अगरवालमध्ये येण्यासाठी मला असं काही शोधलं वगैरे नाही. बाहेरच्या लोकांनीच खूप सांगितलं की अख्ख्या पुण्यात चांगला क्लासेस CS साठी, आणि जेव्हा इकडे आले तेव्हा सगळे रँक्स वगैरे बघून असं मला काही वाटलं नव्हतं की मी रँकमध्ये असेल. पण जसं जसं मी क्लासला बसायला लागले, जसं जसं शिकत गेले, तसं तसं एक इच्छा होती की नाही मला पण रँक आणायचं आहे. आणि वेळोवेळी सरांनीसुद्धा खूप मोटिवेशन दिलं आहे. मोटिवेशन म्हणजे की आणायचंच आहे. ह्याच्या पलीकडे नुसतं पास होणारे भरपूर असतात, पण रँकमध्ये फार कमी लोक येतात. वेळोवेळी
हे सांगत राहणं हेच माझ्यासाठी खूप मोठं होतं. मी अगरवालमधूनच 12वी केली होती तेव्हा मी अकाउंट्समध्ये माझा रँक होता 12वीमध्ये 98%. तेव्हा मला नवनीत सरांनी शिकवलेलं म्हणजे बेसिक्स जे आहेत ते 11वी 12वीमध्ये क्लिअर करा, वेळोवेळी हेच सांगत राहणं, आणि असं कोणतंच प्रेशर नव्हतं. खूप सपोर्टिव्ह आहेत सगळी अख्खी टीम अगरवालची, आणि अगदी म्हणजे फ्री ॲटमॉस्फिअर आहे. घरातल्यांसारखंच सगळ्यांनी सांभाळून घेतलं, चुकलं तरी ते बोलणार, आणि कौतुकसुद्धा त्यांनी खूप केले आज. क्योंकि मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ सो मुझे यहाँ बहुत प्रॉब्लम जाती थी क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी एंड वहाँ का एटमॉस्फेयर आपको पता है कि पढ़ाई जैसा नहीं होता है. तो मेरी जितनी भी पढ़ाई है लाइक टोटल 75% पढ़ाई मैंने यहाँ कोचिंग में ही की है अपनी, क्योंकि टीचर्स लोग सब अच्छे से आई मीन कोचिंग में ही बता देते थे. तो 75% मेरी पढ़ाई कोचिंग में है, बाकी 25 मैंने अपने घर पर पढ़ाई.